make it hurt. On my loveliest and dearest people out there, welcome to Just Padhle. और आज हमारा geography का आखिरी chapter है जो कि physical features of India, वो हम करने वाले हैं। और भाई बहुत मजा आने वाला chapter के अंदर, मतलब तुम लोगों को मैं बहुत सारी चीज बताऊंगा। और जो specially जो slides हैं, क्या कमाल की धासु स्लाइड है, तुम लोगों को मजा ही आ जाएगा वो सब देखने के लिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे हमारा चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, उसके पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इस पे 50,000 सब्सक्राइबर्स हमको हिट करने हैं जल्दी से जल्दी। तो जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब करो इस चैनल को फटाफट, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि बहुत मजा आता है भाई। ये कोई तुम अगर ना होता मैं तुमको बता दूं, तुम लोगों को वाइब पता नहीं होगी किस चैनल की क्या है। तो इस चैनल की वाइब कोई ऐसी नहीं है कि मतलब यहां पे तुम आए पढ़ लिए और निकल लिए, नहीं भाई, यहां पर हम मस्ती करते हैं बस। ठीक है, और मस्ती का बाय प्रोडक्ट है कि हमारी पढ़ाई हो जाती है। तो जो तुम बचपन से सोचते थे ना कि यार कुछ ऐसा हमारा दोस्त वोस्त बैठ के हमको बता दे जिससे हमारी मस्ती वस्ती भी हो जाए और ऐसा हो जाए कि लेक्चर भी नहीं देख रहे और काम भी हो जाए हमारा, वो फील तुमको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो उस फील को बरकरार रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, साथ में हैंड रिटन डिजिटलाइज नोट्स तुम लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। कुछ कुछ चैप्टर्स के नहीं है, वो अपडेट हो रहे हैं बाय द एग्जाम तुम्हारी अब टर्म वन के काफी पहले, मतलब विद इन अ फ्यू डेज सारे नोट्स ऑलमोस्ट आ जाएंगे। अगर तुम लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे पढ़ लेट और इनको फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर जितनी जल्दी हो सके कर लो। और साथ में अगर मुझे भी फॉलो नहीं किया एट द कॉन्फ्रेंस तो जाके मुझे कर लो, क्योंकि मैं वहां पर बहुत सारे अमेजिंग रील्स वगैरह ऐसे कुछ डाल, मतलब कुछ देखो हवा हवाई बातें तो आज तक कभी मैंने की नहीं कि तुम लोगों को ऐसा हवा हवाई मोटिवेशन दे दो, चिंगारी लगा और पूरा खेत जला डालो, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। जो भी किसी प्रैक्टिकल बात की कि हाँ भाई ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, तो जो हो सकता है वो करो। ठीक है, तो वैसे ही प्रैक्टिकल ज्ञान मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को 15-20-30 सेकंड के अंदर अंदर फटाफट देने की कोशिश करूं, तो इसलिए बहुत सारा कंटेंट मैं प्लान कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर @contradictory जाकर फॉलो कर लो, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाओ फॉलो करो, मजा आएगा और स्टोरीज वगैरह देखते रहना। फॉर द बेस्ट मटेरियल विजिट www.padhle.in। और एक और चीज बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर सारे अपडेट्स आते हैं। जब भी कोई वीडियो जा रहा होता है तो नोटिफिकेशन वहां से मिलेगा तुमको। उसके अलावा कुछ 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 और चीजें होती है, जैसे वेबसाइट पर कुछ अपडेट हुआ या फिर कुछ छोटी छोटी चीजें आई, जैसे कि ये इस चैप्टर के यार नोट्स अवेलेबल हो गए, इस चैप्टर के हो गए, तो उतनी सारी चीजें अब यूट्यूब पर वीडियो बनाने को तो डाल नहीं सकते, तो टेलीग्राम पर डल जाता है, वहां पर फॉलो कर लो। और थोड़े टाइम में हम एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी चालू कर देंगे। डिस्कॉर्ड तो जिन लोगों को नहीं पता वहां पर ऐसे टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, और उसके अलावा और भी चीजें करेंगे। बट उसके पहले भाई मेक श्योर, अभी लाइव चैट चल रही, प्रीमियर हो रहा है, ठीक है, प्रीमियर तो चलने दो। ठीक है, इसके बाद में तो कमेंट तुमको करना ही करना। देखो कमेंट में क्या होता है, जब कमेंट ज्यादा होते हैं ना तो वीडियो जो है रैंक ऊपर करता है, जो वीडियो रैंक ऊपर करता है तो ज्यादा लोग देख पाते, और ज्यादा लोग देख पाते तो हम ज्यादा वीडियोस बना पाते, हम ज्यादा वीडियोस बना पाएंगे तो ज्यादा पढ़ पाओगे, तुम ज्यादा पढ़ पाओगे तो हमको ज्यादा मजा आएगा, तुमको ज्यादा मजा आएगा। तो मतलब अल्टीमेटली द सार है जीवन का बस इतना सा है कि वीडियो लाइक करना, और प्रीमियर खत्म होने के बाद भी मुझे कमेंट चाहिए ढेर सारे। कमेंट का टारगेट है 500 कमेंट्स का, बहुत ज्यादा बोल दिया पर पूरा करना, और वीडियो लाइक का टारगेट है 2000 लाइक्स का, उसको पूरा कर देना। और साथ में जो लाइव चैट चल रही, भाई देखो मैं है ना बहुत बहुत पर्टिकुलर इस मामले में कि देखो मैं तुम लोगों को हमेशा से बोलता हूं कि भाई मैं अकेला नहीं हूं जो ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है, तो तुम बोलते हो प्रणय भैया ओपी, प्रणय भैया लव, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट आज मैं चाहता हूं कि तुम पूरी टीम के लिए थोड़ी सी तालियां बरसाओ चैट के अंदर। ठीक है, तो सिर्फ मैं या सिर्फ अथर्व अकेले नहीं है जो कर रहे होते हैं। ठीक है, हालांकि ऑल दो वी आर द को फाउंडर्स और हमने इसको स्टार्ट किया शुरू से, बट अभी देर इज अ पीपल, देर इज अ टीम ऑफ अराउंड 10-11 पीपल जो काम कर रही है, और जो स्लाइड्स बनाई है जिस व्यक्ति ने, मैं चाहता हूं भाई ये स्लाइड्स देख के मैं इतना तर गया हूं, मुझे लगा कि भाई इतनी डीपली कोई कैसे स्लाइड्स बना सकता है। उस चीज को ध्यान रखते हुए मुझे अभी चैट के अंदर एक नाम चाहिए जो कि है शिवांश ओपी। तुमको पता ही होगा शिवांश भैया जो है तुम्हारे 11th में ह्यूमैनिटीज पढ़ाते हैं। ठीक है, और 11th की जो ह्यूमैनिटीज है वो भी बहुत तगड़े तरीके से कराते हैं, तो उनका जो चैनल है पढ़ले 11th इज ह्यूमैनिटीज, जो हमारा पढ़ले का ह्यूमैनिटीज वाली स्ट्रीम का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करना। बट फॉर नाउ इस स्लाइड्स में जिसका सबसे बड़ा हाथ है, मुझे चैट के अंदर शिवांश ओपी चाहिए। आज भरी प्रणय ओपी हो या ना हो, शिवांश ओपी होना चाहिए, पढ़ले टीम ओपी होना चाहिए। ठीक है, तो टीम इज प्रायोरिटी, बाकी तुम लोगों को प्रणय भैया अच्छा लग रहा है तो इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द टीम, बट कोई बात नहीं। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, चैप्टर का एक सार दे दिया जाए जैसे हमेशा देते, तो वही प्रणय भैया चैप्टर का सार क्या, तो देखो चैप्टर जो लॉजिकल है, ठीक है, चैप्टर जो है वो टोटली फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड है कि कहां पे कौन से लोकेशन पे क्या क्या चीजें इंडिया में कैसी अच्छी बुरी क्या क्या चीजें ऊपर नीचे जो भी है वो सारी की सारी चीजें। अभी इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो तुमको याद ही करना है। अब मैं नाम तो तुमको याद नहीं करा सकता कि मेरा नाम प्रणय है, तो मैं तुमको याद करवाऊं कि मेरा नाम प्रणय है ना, तो वो चीजें तुमको याद करनी पड़ेंगी। अब याद करने के लिए सबसे अच्छी बात ये कि स्लाइड्स तुमको मिल रही है तो तुम वीडियो को पॉज कर करके स्लाइड्स देखना। अब मैं ना स्लाइड्स रीड करने बैठूंगा तो वीडियो 1.5 घंटे का निकल जाएगा या ज्यादा भी निकल सकता है, पर मैं स्लाइड्स रीड करने नहीं बैठूंगा, मैं तुमको उस पर्टिकुलर पेज पे कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, फिर लॉजिक क्या यूज हो रहा है, फिर मेन जो उसका आइडिया है वो तुमको बताऊंगा। बाकी जो नाम है, जो स्पेसिफिक्स हैं, जो जैसे लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, सारी चीजें तुमको मिलेंगी, और ये सब एमसीक्यू
एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। जैसे पिछली बार मैंने एक लाइव क्लास की थी तो उस लाइव क्लास के अंदर जो पोल्स थे वो एग्जैक्टली सिमिलर आ रहे थे, तो वो चीजें यहां पर भी होंगी। तो लेट्स बिगिन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या देखने वाले चैप्टर के अंदर, देखो तुमको हर स्लाइड को रीड करना है। मैं तुमको सच्ची बता रहा हूं, अगर तुम्हें स्लाइड रीड कर लेते हो तुम्हारी काफी हद तक एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। तुमको एनसीईआरटी रीड करना ही करना है, बट क्यों क्या होगा कि मैं तुमको हर चीज बोल के नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। एक एक वर्ड अगर बोल के बताऊंगा तो 4-5 घंटे का निकल जाएगा वीडियो, और हम चाहते नहीं। तो इसलिए तुम ये स्लाइड पॉज करके रीड करो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो कैसे खत्म होगा, तुम्हारी एनसीईआरटी का एक मेजर पोर्शन रीड हो जाएगा। इतनी प्यारी स्लाइड बनी हुई है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर क्या देखने वाले कि देखो ओवरऑल हमको पता है कि हम तो प्लेन लैंड पे रह रहे हैं, ऐसा तो लगने रहा कि हम पहाड़ पे रह रहे हैं, ठीक है। ऐसा कभी तुमको ऐसा लगा कि अपना घर से टेढ़ा बना और हम सब ऐसा कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, पानी रखा हुआ है बोतल में तो बोतल ऐसी, ऐसा कभी नहीं होना लगता था, ऐसे ही प्लेन है। पर फिर भी ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो काफी सारी जगह प्लेन नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीजें हम देखते रहेंगे। अगर हम कहीं पे भी, जैसे बेसिकली क्या है कि जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करो तो यहां पर आसपास का रीजन में कॉमन फीचर समझ में आते हैं कि हाँ भाई टेम्परेचर ऐसा कॉमन है कि मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल है तो इंदौर और भोपाल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा कि इंदौर में अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो भोपाल में 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इतना डिफरेंस नहीं होता। तो बेसिकली एक एरिया में ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स देखने को मिलते हैं, है ना। अब जैसे अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर कुछ चीजें अलग होती है। जैसे दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में गर्मी मतलब बहुत गर्मी, ठंड मतलब बहुत ही ज्यादा ठंड, ठीक है। तो वो नॉर्थ इंडिया का हो गया। तो उसके आसपास जो भी एरिया है वहां पर ऐसा होता है, ऐसा जरूरी थोड़ी क्लाइमेट ने ऐसा थोड़ी किया कि ऊपर से किसी ने देखा कि यार सिर्फ दिल्ली की तरफ पॉइंट करते हैं, हम सिर्फ दिल्ली के अंदर ठंड होनी चाहिए बाकी आसपास नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो जो होता है वो पूरे एक एरिया के हिसाब से होता है। तो ओवरऑल हम अलग अलग एरियाज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमने इंडिया को अलग अलग किन टुकड़ों में बांट रखा है, वो चीज हम देखेंगे। एंड इट्स जस्ट टोटल फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर एक इकलौती कंट्री, यहां पर पहली बात सबसे खूबसूरत चीज तो यह है कि लोगों की भी डिवर्सिटी इतनी ज्यादा है, जो यूनिटी एंड डिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो लोगों की भी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि अलग अलग रिलीजन से कास्ट से, ठीक है, रीजन हैं, अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग सारे अलग अलग लोग, अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं पर साथ में रहते हैं। तो वैसे ही ये तो चलो इंडिया की सोशल फीचर हो गया, इंडिया का सोशल फीचर हो गया, बट अगर इंडिया के फिजिकल फीचर की भी बात करो तो वो भी बहुत डाइवर्सिफाइड है। मतलब कहीं तो पहाड़ है, कहीं तो नदियां हैं, कहीं तो आइलैंड है, तो सब है हमारे हिंदुस्तान में, सब कुछ है, ठीक है। पर फिर भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो सोशल डाइवर्सिटी भी है, यूनिटी है और फिजिकल डाइवर्सिटी भी काफी है, पर वहां पर हमारे पास में यूनिटी है कि भाई ये बिल्कुल अखंड भारत जिसके हम बात करते हैं वो है। चलो बहुत बढ़िया। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन की किस किस टाइप में डिविजन है तो ये कैसे समझेंगे हम, जैसे कि सोशल डिविजन कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, ठीक है, ये सारी चीजें। तो वैसे ही फिजियोग्राफिक डिवीजन मतलब फिजिकल तरीके से क्या क्या डिवीजन है हमारे पास में वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। थोड़ा तापमान को हम यहाँ पर अंदर ठीक कर ले क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश के साथ में गर्मी। चलो बहुत बढ़िया। तो मेजर क्या क्या है, आइलैंड्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स है तुमको पता है भैया, नॉर्थ में हिमालय, फिर नदन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट और कोस्टल प्लेन्स। तो बेसिक जो हमारा डिवीजन है वो कुछ इन 6-7 चीजों में हो रहा है, ठीक है। एक तो हिमालय में हो गया जहां पर पहाड़ पहाड़ है, फिर हमारा जो बीच का नदन वाला एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन वो है, फिर हमारा मध्य प्रदेश के नीचे जो पूरा है डेक्कन प्लेट्यू या जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जिसको बोलते हैं वो हो गया, ठीक है। फिर इंडियन डेजर्ट जो राजस्थान साइड में हमको दिखता है, कोस्टल प्लेन्स मतलब जो कोस्ट है साइड के, जो मुंबई गोवा वाला एरिया है, और ये तो हमारे इस साइड हो गया, और दूसरी साइड में हमारे पास में जो बाकी का एरिया है वो सारा हो गया जो कि बिल्कुल अरेबियन सी और वहां से बे ऑफ बंगाल से कवर्ड है, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स वो हो गए, आइलैंड्स मतलब लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो वही सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखना है बहुत सिंपल तरीके से। चलो बहुत ही बढ़िया। सबसे पहला जो हमारा डिवीजन है वो है हिमालय माउंटेन्स। तो एक एक डिवीजन को इक्वली डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि भैया हिमालयन माउंटेन्स के क्या क्या फीचर्स हैं, फिर हमारे नदन प्लेन्स के क्या क्या फीचर है, डेक्कन प्लेटू के क्या क्या फीचर है, तो सारे के सारे फीचर देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिमालयन माउंटेन्स के साथ में, ठीक है। तो हिमालय ओपी हो जाए चैट के अंदर, बहुत सही। तो बेसिक फीचर्स, अब बेसिक फीचर्स हर चीज के देखते हैं, ठीक है, सीरियसली। अब देखो जहां जहां मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं पॉज करके, मैं हर जगह बोलूंगा नहीं बट तुमको सारी स्लाइड्स पॉज करके रीड करना ही करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं ज्यादा स्लाइड्स में देख देख के नहीं बताऊंगा, आई विल टेक यू आउट ऑफ माई ओन अंडरस्टैंडिंग और फिर तुम लोगों को उसको रीड करके समझना है कि हाँ भैया ने ये बोला इसका मतलब ये है, क्योंकि रीड करूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे, अब यही बोल के 2 घंटे लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली बेसिक फीचर्स क्या है कि दीज आर जियोलॉजिकली यंग, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स, तुमने सुना होगा यंग माउंटेन्स है। यंग मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 साल पहले बने, फिर 15-20 मिनट पहले बने तो मैंने बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, ये 15-20 साल नहीं, ये बहुत पुराने हैं, बट कंपेरेटिवली दीज आर यंग माउंटेन्स, ठीक है। और स्ट्रक्चरली फोल्ड, फोल्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसे समझो कि जैसे ये 2 प्लेट्स हैं, अबे 2 प्लेट्स आई टकराई और टकरा के ऐसे ऊपर उड़ गए आपस में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। तो हिमालय जो बने वो कुछ इस तरह के से बने कि ये 2 टकराए और फिर ये ऐसे बन गए, ऐसे हो गए, ठीक है। ऑब्वियसली टकरा रहे हैं और एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसे ऊपर चले जाएंगे आपस में, ठीक है, ओके।
तो पूरी नॉर्दर्न बॉर्डर में है ये, और हमारे पास में ये पूरा का पूरा, अभी हम देखेंगे इसका डिवीजन कि नॉर्थ से साउथ में कैसा हो रहा है, मतलब इंडिया के टॉप से लेके इंडिया के नीचे आते आते कैसा हो रहा है, और ईस्ट से वेस्ट में कैसा हो रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट लॉफ्टीएस्ट, मतलब काफी ऊंची पहाड़ियां हैं। ठीक है, और रगेड, रगेड मतलब कि काफी एक बैरियर जैसी है, मतलब हम बोलते हैं ना कि ऊपर से हिमालय रक्षा कर रहा है हमारी और नीचे से ओशन रक्षा कर रहा है, नीचे समुद्र है ऊपर पहाड़ है, तो वो जो है काफी हद तक अपनी रक्षा करता है क्योंकि बहुत सारी ठंडी हवाएं जो उधर से आती है, ठीक है, वो काफी ज्यादा रुक जाती है, उसके कारण हमें को अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है उससे। ठीक है, तो दिस कवर्स अप्रोक्सीमेटली टू, ये जो नंबर से याद रखना, 2400 किलोमीटर का एरिया की डिस्टेंस है हमारे पास में, दे फॉर्म एन आर्क ऑफ 2400 किलोमीटर। इस टाइप से अगर बात करूं, ये जो आर्क दिख रही है, ये जो सारी तुमको लाल लाल लाइनें दिख रही है ना, ये सब हिमालय है, हिमालय हिमालय, ये सब हिमालय, तो ये यहां से लेके ऑल द वे यहां तक आ रहा है। ठीक है, ऑल द वे यहां तक, मतलब बिल्कुल नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हमारे पास में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है, अब जो विड्थ है, जो मोटाई है, यहां पर ध्यान से देखो, ये नंबर्स तुमको याद करने पड़ेंगे। तो इस एरिया में काफी मोटा दिख रहा है हमको जो विड्थ है इसकी, पर यहां पर आते आते थोड़ा थोड़ा से पतला होते जा रहा है ना, हिमालय की विड्थ जो है। ठीक है, तो ये मतलब कश्मीर साइड में इट्स अराउंड 400 किलोमीटर, ये जो इस विड्थ की बात कर रहा हूं मैं, ये करीब करीब 400 किलोमीटर है, और यहां पर आते आते कुछ 150 किलोमीटर के आसपास रहती है, तो ऐसे कम होता है। ऑल्टीट्यूड वेरिएशन सर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन वेस्टर्न हाफ, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो ऑल्टीट्यूड में वेरिएशन है, अब देखो एक ही पहाड़ थोड़ी हिमालय, हिमालय बहुत बड़ी रेंज है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे माउंटेन पीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे पहाड़ इस टाइप से, तो जो ऑल्टीट्यूड में डिफरेंस है कि मतलब ये एक पहाड़ इतना बड़ा, एक पहाड़ इतना बड़ा, फिर एक पहाड़ इतना बड़ा, एक पहाड़ इतना बड़ा, तो जो डिफरेंसेज है, ये जो डिफरेंसेस है, ये जो वेरिएशन है, ये इस साइड में ज्यादा है एज कंपेयर टू यहां पे, इस साइड में आते आते द वेरिएशन इज क्वाइट लेस, मतलब डेफिनेटली थोड़ा सा ऑल्टरेशन होगा ऑल्टीट्यूड में, बट ऐसा इट विल बी लेस, कि अगर एक हाइट है तो पर्टिकुलरली उस हाइट के आसपास ही कुछ कुछ चल रहा है, बट यहां पर काफी ज्यादा वेरिएशन है कि बहुत लंबा भी है, बहुत छोटा भी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हिमालय कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, तो ये थ्री पैरेलल रेंजेस हमने बना दी इस तरह से। कौन कौन सी, देखो हमने हिमालय को तीन तरह से डिवाइड कर दिया, एक तो हमारा जो बिल्कुल, और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब समझो, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट मतलब कि हमने इस टाइप से डिवाइड किया कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तीन लाइन जो दिख रही है इस टाइप से हमने डिवाइड किया, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब करीब करीब इट इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल ना। ठीक है, तो हमने इसको लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड किया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है, ऐसे भाई ऑब्वियसली ऐसे लॉन्गिट्यूड मेजर करूंगा मैं, है ना, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, तो ये चीज हमको समझ में आ गई कि ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, तीन है। तो तीन कौन कौन सी है, तीन का जो नाम है वो है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, देखो सबसे ऊपर जो हिमालय दिख रहे हैं ना, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे नॉर्थ में है, दीज आर द ग्रेटेस्ट हिमालय, मतलब वहां की हाइट बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे हाइट कम होते जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम उस नॉर्थ से साउथ में आते जा रहे हैं वैसे वैसे हिमालय की हाइट कम होती जा रही है, तो सबसे ऊपर जो है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय ऑब्वियसली, और उसको एक और नाम दिया है हिमाद्री, तो हिमाद्री आर द ग्रेटर हिमालय। ठीक है, यहां की क्या क्या है कि दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, मतलब इंडिया के सबसे हिमालय के भी जो सबसे नॉर्थ में है वो हिमाद्री, मतलब हमने हिमालय के अंदर भी तीन डिविजन बनाए, एक है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। ठीक है, हिमाद्री की साइड सबसे बड़ी है, इट इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, कंटिन्यूस मतलब देखो मैंने क्या बोला कि पहाड़ियां, ठीक है, पहाड़ियां पहाड़ियां, तो कंटिन्यूस मतलब कि इसमें पहाड़ियां ज्यादा है, मतलब ऐसे बीच बीच में ऐसे वो नहीं है जैसे कि एक पहाड़ी हो गई फिर गैप हो गई फिर एक पहाड़ी हो गई, इस टाइप से है, बट कंपैरेटिवली तीनों में से सबसे ज्यादा कंटिन्यूस यही है, मतलब पहाड़ियां कंटिन्यूसली यहीं पे ही है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा हाइट है, मतलब एवरेज हाइट 6000 मीटर से 6 किलोमीटर की एवरेज हाइट है वहां पे, समझ रहे हो 6 किलोमीटर किसको बोलते हैं। ठीक है, और सारे जितने भी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स है जो सबसे लंबी लंबी ऑब्वियसली वहां पे, तभी इसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इसके जो फोल्ड्स हैं दीज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, ऑब्वियसली भाई इसे सिमेट्री मतलब स्केल से काट काट के तो बनाया नहीं पहाड़, तो ऑब्वियसली एसिमेट्रिकल रहेंगे ये जो फोल्ड्स, मतलब ये देखो यहां पर अगर तुम पहाड़ देख रहे हो तो दीज आर एसिमेट्रिकल ना, मतलब ऐसा थोड़ी कि ये बना फिर एक्जैक्टली 5 सेंटीमीटर दूर दूसरा बना, एक्जैक्टली 5 मीटर ऐसा तो नहीं, ऑब्वियसली एसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, और इस पोर्शन का जो हिमालय में, अब समझ लो कि हिमालय एक नहीं हमारे लिए, हमारे लिए हिमालय तीन है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, फिर हिमाचल मतलब जो बीच वाला, और शिवालिक जिनको हम लेसर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हम अलग अलग की अलग अलग कैटेगरीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट, मतलब इसके अंदर का जो पार्ट है, जो कोर है इन माउंटेन्स का, जो ग्रेटर हिमालय का कोर है, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये याद रखो, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, ग्लेशियर्स मतलब जहां से वो, पता है ना ग्लेशियर क्या होता है, नीचे कमेंट्स में बताओ ग्लेशियर क्या होता है, जहां से नदियां बहती है अल्टीमेटली, कहां से, जैसे बर्फ से नदियां बन रही है, पानी पिघल रहा है वो सब। ठीक है, तो ये देखो फिर से हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब अच्छा वैली क्या होता है, वैली बीच में बताता हूं तुमको, बाकी हिमालय की बात कर रही हूं। वैली क्या होता है कि दो पहाड़ जो है, जैसे दो मेन माउंटेन्स की अगर हम बात करूं, दो हिल्स की बात करूं, तो देखो जो बीच में रीजन होता है उनके, ये वाला रीजन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वैली, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जहां जहां भी हम वैली वर्ड का यूज करेंगे वहां समझ लेना कि ये दो पीक्स है,
उनके बीच में जो एरिया है, जो प्लेन एरिया दिख रहा है हमको, उसको हम वैली बोलते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है। फिर इधर एक पीक है, इधर एक पीक है, तो इसको हम वैली बोलते हैं, ये समझ के रखना, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं हिमाचल की तरफ और लेसर हिमालयस, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लेसर हिमालयस। इसकी क्या है कि दीज आर साउथ ऑफ हिमाद्री, ठीक है, मैंने बताया ना, ये हमारे पास में ये हिमाद्री है, ये जो पूरी नॉर्थ में चल रही है ये हिमाद्री है। फिर इसके साउथ में जो है, इसके साउथ में जो थोड़ी सी साउथ में आएगी, मतलब इसके जो हल्की सी नीचे है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हिमाचल, ठीक है। फिर ये जो है, दीज आर द मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम, है ना, अभी हमने रगेड देखा। फिर इसके अलावा इसमें क्या है कि जनरली दीज आर हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स, मतलब इसमें रॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड रहते हैं। अभी हम और चीजें पढ़ते हैं तो समझ में आता जाएगा। और इसका जो ऑल्टीट्यूड है, जैसे कि मतलब हिमाचल का कितना था हमने देखा था, 6000 मीटर एवरेज, इसका कितना है 3700 से 4500, है ना। ऑब्वियसली धीरे धीरे, मैं तुमको क्या बोला कि पहले ग्रेटर हिमालयस है, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते हम ऐसे, जैसे मान लो कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ इंडिया से लेके हम साउथ इंडिया की तरफ अगर देखूं तो नॉर्थ इंडिया में जो सबसे बड़े हिमालयस है, फिर धीरे 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 हिमाचल आए, फिर धीरे 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 और छोटे आ रहे शिवालिक साई, और फिर धीरे धीरे चल के यहाँ पर प्लेन हो गया है। तो ऐसे बन रहा है टोटल, और ये जो ऐसे बन रहा है, तो ये जो पूरे हिमालयस है इनमें तीन डिविजन है, जो सबसे लंबा वाला है वो है हिमाद्री, फिर बीच में जो है वो है हिमाचल, और जो जो कम हाइट वाला, जो ऐसे बिल्कुल नीचे कम हाइट होती आ रही जैसे, उसको हम बोलते हैं शिवालिक, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एंड द एवरेज विथ इज ऑफ 50 किलोमीटर, एवरेज विथ, विथ अभी जो हमने देखी, ठीक है। तो पीर पंज, अब देखो ये कुछ कुछ नाम है, तो ये नाम तुमको रीड करना है कि कौन कौन से नाम कहां कहां पे हो रहे हैं, काफी हिल स्टेशन यहां यहां से बनते हैं, तो ये सब नाम तुम लोग रीड करो जो भी अंडरलाइन किए हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो अगेन फिर से ये फिगर देखते, बार बार फिगर लगा रखा है, ये हो गया हमारे पास में ग्रेटर हिमालयस, फिर जो बीच वाली रेंज है ये हो गया हमारे पास में हिमाचल, और देखो इसकी जो उन्होंने बता रखी है, इट इज अप्रॉक्सिमेटली 50 किलोमीटर, तो जो उसकी विड्थ है ये 50 किलोमीटर है। अभी आगे ये देखो, ये रहा बहुत अच्छा फिगर, मैं इसी का वेट कर रहा था। ये देखो ग्रेटर हिमालयस कुछ ऐसे हैं जो नंबर वन है, नंबर टू वाले जो है वो है लेसर हिमालयस, ठीक है, और नंबर थ्री जो है वो है शिवालिक्स, ठीक है। तो है ये पूरा का पूरा हिमालय ही, पर हिमालय के अंदर हमने तीन डिवीजन कर दिया, ठीक है। अब शिवालिक्स की बात करते हैं, तो दीज रेंज फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर, तो ये जो इनकी विड्थ है ये 10 to 15 किलोमीटर, मतलब कि कहीं कहीं पे 10 किलोमीटर है, तुम देख सकते हो ना, ऐसा एक्जैक्टली तो ऐसा नहीं, और कहीं कहीं पे मोटा है, कहीं कहीं पे पतला है, तो कहीं कहीं पे ऐसे 10 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे 50-20 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 50, इस टाइप से, ठीक है। और इसकी भी हमने देखी तो अप्रॉक्सिमेटली 50 है, और इसकी सबसे ज्यादा ग्रेटर हिमालय सबसे ज्यादा विड्थ वाइज है, ठीक है। और इसका जो ऑल्टीट्यूड इसके करीब 900 से 1100 मीटर के आसपास, मतलब हमारे सबसे ऊपर इसके अप्रॉक्सिमेट ऑल्टीट्यूड 6000 है, 6000 मीटर्स, मतलब कि जो पीक्स हैं, जो माउंटेन पीक्स है इस रीजन में ग्रेटर हिमालयस में, वो अप्रॉक्सिमेटली 6000 है। फिर इसके बाद में हमने दूसरे वाले में क्या देखा था, दूसरे वाले में हमने देखा था कि अराउंड 3700 to 4500, मतलब यहाँ पे है ना, जो हाइट है, हाइट की बात करें अभी हमें, विड्थ की बात नहीं करें, हाइट की बात करेंगे, माउंटेन्स की हाइट कितनी बड़ी बड़ी इस रीजन में। तो ऑब्वियसली पहले 6000, फिर 3700 से 4500, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर और नीचे आ रहे हैं, मतलब शिवालिक्स की तरफ, और छोटी हाइट है तो 900 से 1100 मीटर के आसपास है। और यहाँ पर अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, मतलब कि ये सेडिमेंट्स के कारण बना, मतलब मेनली जो है ना क्या हुआ कि ग्रेटर हिमालय से जो मतलब जो मेन हिमालय से हमारे पास में पानी बहता है, तो उस पानी के अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स आते हैं। अब वो सेडिमेंट्स यहां पर बहुत सारे स्टोर हो गए, तो इसलिए इसका जो मेन मटेरियल है, जो मेन तुम देखोगे कि ये कैसे बना है, तो दिस इज मेड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स ऑफ मेन हिमालयस, ठीक है, मेन हिमालय। तो जो ग्रेटर हिमालय से नीचे नीचे धीरे धीरे पानी बह रहा था, उनके अंदर सेडिमेंट्स थे, और वो सेडिमेंट्स क्या हुआ, धीरे धीरे स्टोर हो गए, और स्टोर हो के फिर ये धीरे धीरे शिवालिक्स बढ़ने लगे, और जो शिवालिक्स है तो उनका जो कोर मटेरियल है, दीज आर अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम, एलुवियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एलुवियम से क्या क्या समझ में आ रहा है तुमको, एल्यूमिनियम, एलुवियल सॉइल जो हमने पहले देखा था, वो सारी चीज अब तुम और आगे डिटेल में दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स इज नोन एज डून्स, अच्छा ये चीज ध्यान में रखो कि ग्रेटर हिमालयस, देखो ऐसे चलो आगे एक फिगर दे रखा है, अच्छा ये तीन नाम है, अच्छा मैं तुमको यहां पर पहले दिखा देता हूं। तो बेसिकली ये समझो कि हमारा नॉर्थ है इंडिया का, और ये समझो हमारा साउथ है इंडिया का, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस साइड बिल्कुल ग्रेटर हिमालयस है ना, अभी इस फोटो में नहीं दिख रहे ग्रेटर हिमालयस, बट इस साइड ऐसे समझो इस बात को, इस साइड ग्रेटर हिमालयस है, फिर इस साइड ये दिख रहे लेसर हिमालयस है ना, मतलब हिमाचल, और ये जो है ये क्या है, शिवालिक। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो हिमालय और शिवालिक के बीच में एक प्लेन रीजन दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाला है ना, देखो सबसे ऊपर यहां पर क्या है, ग्रेटर हिमालयस, इस एरिया में ग्रेटर हिमालय है, फिर हम नीचे आ रहे, तो बेसिकली ये कुछ ऐसा सा बन रहा है ना, और यहां पर हमारा साउथ इंडिया है, धीरे धीरे मध्य प्रदेश वगैरह ये सारी चीजें हैं। तो हम यहां से ऊपर से चलते हो नीचे की तरफ आ रहे हैं, मध्य प्रदेश वगैरह बहुत ज्यादा दूर हो गया, उसी के आसपास देखो, मतलब नॉर्थ इंडिया का हमारा पंजाब वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहां से देखें तो यहां से हमारा ग्रेटर हिमालय है, फिर ये लेसर हिमालय है, नीचे आते आ रहे धीरे धीरे, अब इसके बाद शिवालिक आना चाहिए। बट एक चीज ध्यान से समझो कि ग्रेटर हिमालय और हिमाचल के बाद एक जो शिवालिक्स आ रहे हैं है ना, उसके बीच में, मतलब कि लेसर हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में एक प्लेन रीजन मिलता है हमको थोड़ा सा, उसको हम बोलते हैं दून्स, उसका क्या बोलते हैं, दून्स। तो द रीजन लाइंग बिटवीन हिमालय एंड शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। और इसको लॉन्गिट्यूडिनल क्यों बोला, क्योंकि लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में ऐसे इस टाइप से, मतलब अगर मैं तुमको इस फिगर के अंदर समझाऊं तो ये किस टाइप से समझेंगे तुमको, ये इस टाइप से, ये ऐसा है, मतलब ये जो जा रहा है ना, ये समझ लो कि ये लाइन है, तो ये लाइन दीज आर दून्स, ठीक है, बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स,
ठीक है, सिंपल है, आया समझ में, बहुत ही बढ़िया। तो ये देखो है ना, तो ये यही फिगर समझा रहा हूँ कि ग्रेटर हिमालय है, यहाँ हमारी हाइट है, इसकी हाइट कौन सी 4600 से बड़ी हाइट वाले जो होंगे वो ग्रेटर हिमालय में आ गए, फिर धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं तो ये देखो हाइट कम होती आ रही है, फिर हमारे लेसर हिमालयस, तो ये वाला जो रीजन है लेसर हिमालयस का, फिर हम धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आए तो ये कौन सा शिवालिक वाला रीजन है, और यहाँ पे कहीं पे बीच में मतलब बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स इस रीजन पे हमको एक प्लेन एरिया मिलता है जिसको हम दूनस बोलते हैं, और दूनस के कुछ तीन नाम है, तीन अलग अलग टाइप के दूनस, तो बहुत सारे दून, एक तो देहरादून हो गया, तो देहरादून कहाँ से है, वहीं से है नाम, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, तो ये नाम हमारे पास में है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो अब हमने ये जो अभी तक डिवीजन देखा हिमालयस का, दिस वाज बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, मतलब कि ये ऊपर से नीचे कैसा आ रहा है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वाला डिवीजन देखा हमने हिमालय का, है ना, नॉर्थ से साउथ आने वाला डिवीजन देखा, अब हम वेस्ट से ईस्ट वाला देखेंगे, ईस्ट से वेस्ट वाला देखेंगे, ठीक है। तो अभी नॉर्थ से साउथ में हमने क्या क्या चीज देखी, रिवाइज करो कि नॉर्थ से साउथ में देयर आर थ्री डिवीजन, कौन कौन से, हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमाचल, फिर लेसर हिमालयस या फिर ग्रेटर हिमालयस, हाँ, फिर उसके बाद में हिमाचल और उसके बाद में शिवालिक्स, तो इसको याद कैसे रहोगे, हिमाद्री हिमाचल शिवालिक्स, हिमाद्री सबसे बड़े, हिमाचल फिर उसके बाद में, और शिवालिक्स सबसे लेसर, सबसे कम वाले, ठीक है। चलो, तो अब हम देखेंगे साइड वाइज कैसा डिवीजन है, ठीक है, अभी तो हमने ऐसे ऊपर नीचे के हिसाब से देख लिया, अब हम साइड वाइज देखेंगे कैसा है, तो जो साइड वाइज जो डिवीजन हुआ ना, ये हमको कैसे मार्किंग की, हमने इसकी मार्किंग रिवर्स के हिसाब से की, अभी तक हमने नॉर्थ से साउथ वाले में किस हिसाब से मार्किंग की, लेंथ के हिसाब से, मतलब कि कैसे लंबी लंबी लेंथ वालों को हमने ग्रेटर हिमालयस बोल दिया, फिर कम है ना, जैसे हम नीचे आ रहे थे, अभी हम है ना लेफ्ट राइट जाते जाते हम ऑन द बेसिस ऑफ जो रिवर्स फ्लोर है उस हिसाब से हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या मार्किंग करने वाले हम यहाँ पर, ठीक है, देखो ये वेस्ट ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये अलग अलग डिवीजन बने हुए हैं, ये डिवीजन बना हुआ है, तो ठीक है, ये पहला डिवीजन मान लो, दूसरा मान लो, तीसरा, ये छोटा सा चौथा, ये पांचवा, और ये अप्रॉक्सीमेटली अगर देखो तो छह भी हो रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ऐसे डिवीजन है। तो कौन कौन से रिवर्स के बीच में कौन कौन से डिवीजन है, तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, ये नाम याद रखने पड़ेंगे कि पंजाब हिमालयस किसको बोलते हैं, जो कि इंडस और सतलज रिवर के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। फिर कुमाऊन हिमालयस किसको बोलते हैं, जो कि सतलज और काली के बाद, मतलब इंडस और सतलज के बीच में आ गए, ये इंडस, ये सतलज, फिर सतलज और काली के बीच में ये आ गए, फिर अब काली और कोसी के बीच में ये अलग है, नेपाल हिमालयस आ गए, फिर कोसी और तीस्ता के बीच में ये छोटा सा पोर्शन आ गया, और फिर उसके बाद में तीस्ता और दिहंग के बीच में ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। तो ये हमने साइड वाइज डिवीजन कर दिया। नाम देखो, मैं तुम लोगों के चैप्टर समझा रहा हूं, मैं तुम लोगों को फिर भी बोल रहा हूं कि इसको सिर्फ समझा के तुम नंबर नहीं ला सकते, इसको समझा के तुम दिमाग बहुत क्लियर कर सकते हो, कि जब तुम रीड करोगे तो कुछ भी तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाएगा, जो तुम मतलब अगर ये वीडियो पूरा देख लोगे तो दिमाग के ऊपर से जाने वाला पूरा फैक्टर खत्म ही हो जाएगा, सब चीज तुमको अच्छे से समझ में आएगी, पर तुमको इसको रीड करना पड़ेगा खुद से, ताकि तुम्हें नाम याद कर पाओ। एग्जैक्टली, मैं नाम तो याद नहीं करा सकते, है ना। ओके, अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो कि ये तो हिमालयस भाई अच्छे भले आ रहे थे, पर अगर इस पोर्शन की बात करूं तो यहां पर ऐसा नहीं लग रहा कि भैया ये जो हिमालयस जो कंटिन्यूसली हमको ऐसे दिख रहे थे इधर से आते हुए, ये एकदम से ऐसे साउथ में कैसे हो गए, है ना, एकदम से ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे कि ऐसे हिमालयस चल रहे थे अच्छे से ये आर्क के फॉर्म में, पर ये एकदम से ये वाला पोर्शन हिमालयस का कहां से आ गया। तुम ध्यान से देखो, ब्राउन कलर में हमने हिमालयस को मार्क कर रखा है, तो यहां पर भी हल्का सा ब्राउन कलर है, तो हिमालयस यहां कैसे आ गए और ये कौन से हिमालयस है। तो इनको हम बोलते हैं पूर्वांचल, ठीक है, जो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स है ना, ये वाले रीजन में जो ऐसे रीजन बना हुआ है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में हमको बना हुआ उसको हम बोलते हैं पूर्वांचल। अब पूर्वांचल कैसे, पूर्वांचल की हम देखते हैं कि पूर्वांचल का क्या सिस्टम है। तो बेसिकली ब्रह्मपुत्र जो है, इट मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयस, ईस्टर्न मोस्ट, ईस्ट कौन सा हुआ, ये वाला एरिया, तो ईस्टर्न मोस्ट जो बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्र मार्क करता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र मार्क करता है। अब दिहंग जॉर्ज के बाद में अगर तुम ध्यान से देखो, दिहंग जॉर्ज ये जो हमारा था, दिहंग जॉर्ज कहां पे है, ये रहा दिहंग रिवर के आसपास, यहां पर अगर हम देखें तो बिल्कुल शार्प साउथ बेंड होता है हिमालयस, तो वो क्यों होता है, उसको जो बोलते हैं, तो पहली बात हम इसको बोलते हैं पूर्वांचल, ठीक है। अब क्यों होता है, इसका रीजन बहुत डिस्क्रिप्टिव है, तुम लोगों को 11th की ज्योग्राफी में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, बट फॉर नाउ द हिल्स रनिंग थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग, तो ये जो एरिया है पूर्वांचल वाला, इसके अंदर मोस्टली हमको सैंडस्टोन और सेडिमेंटरी रॉक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, और covered, these are covered with dense forest और mostly parallel ranges हैं, parallel तरीके से चलती है, parallel ranges मतलब parallel valleys अलग अलग दिख रही है, और parallel यहाँ पे पहाड़ ऐसे हो रहे हैं, सब parallel चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ये अलग अलग नाम दे रखे हैं कि पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मीजो हिल्स, ये सब पूर्वांचल के अंदर आती है, पूर्वांचल वाला जो एरिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये मीजो हिल्स देख सकते हो, काफी खूबसूरत सा फोटो है। अब आता है नदन प्लेन्स पे, तो अभी हमने इंडिया का सबसे नॉर्थ पोर्शन जो था वो कवर कर लिया, जो कि हिमालय, हमने कैसे कवर किया, हमने हिमालयस को भी पहले नॉर्थ से साउथ में डिवाइड किया, फिर हमने ईस्ट से वेस्ट में डिवाइड किया, अब हम उसके नीचे आ गए, मतलब हम हिमालय के नीचे आ गए, हम हिमालय के साउथ में देखे तो क्या है, नदन प्लेन्स है। अब नदन प्लेन्स की बात करते हैं हम, क्या क्या हमारे पास में, तो नदन प्लेन्स कैसे बना, मेनली ये इंटरप्ले, मतलब कि तीनों जो रिवर्स है मेनली, कौन कौन से, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इनके इंटरप्ले के कारण, मतलब ये जम गए धीरे धीरे, मतलब जम गए एज इन सेडिमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें हुई, उसके कारण जो नदन प्लेन्स वो बन गए, ज्यादा डिटेल में अभी हम देखते हैं। तो ये कैसे बना, दिस इज मेड ऑफ मेनली एलुवियल सॉइल, है ना, और एलुवियल सॉइल, एलुवियम कहां से आया यहां पे,
कहां से आएगा? ऊपर से आया होगा, है ना? हमारे जो हिमालय चलते आ रहे हैं नीचे, वहां से सेडिमेंट्स लेते लेते आ रहे हैं, और सेडिमेंट्स के कारण यहां पर मिल गया हमको। तो उसके कारण क्या, ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, मतलब मिलियन, ऐसा नहीं कि कल परसों हुआ कि चलो आ जाओ पानी बह रहा है तो सब सेडिमेंट्स इकट्ठे कर लो बैग के अंदर भर कर वहां ढोल दो तो नदन प्लेन बन गया, ऐसा थोड़ी हुआ। मिलियंस ऑफ इयर्स ऐसा होता रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे वो नीचे नीचे आता रहा पानी, वैसे वैसे रॉक्स भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पानी होता रहा तो पानी ने रॉक्स तोड़ तोड़ के बहुत ही फाइन सॉइल बना दिया और वो धीरे धीरे जमने लग गया जमीन के ऊपर, तो वो नदन प्लेन आ गया, नदन प्लेन बन गया हमारे पास में। ठीक है, ये जो एरिया है इट इज, इसका एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, और ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब ऐसे में, और 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है। ठीक है, तो अप्रॉक्सिमेटली ऐसे ब्रेड्थ जो है इसकी वो 240 to 320 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 240 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे 320 है, और ऐसे अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो इट इज 2400 किलोमीटर। ठीक है, ओके, एक फिगर में देखेंगे हम कि लेंथ और ब्रेड्थ का मतलब क्या है, मे बी आई एम, मैं तो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूं शायद, पर वो तुमको मिल जाएगा। तो एरिया जो है डेंसली पॉपुलेटेड हमको पता है। ठीक है, अब यहां पर सॉइल बहुत रिच है तो इसके कारण ये बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस रखता है ताकि हम वहां पर अच्छे से एग्रीकल्चर कर पाए। तो एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। ठीक है, यहां पर क्योंकि सॉइल बिल्कुल एलिवल सॉइल, और एलिवल सॉइल हमको पता है भाई कि कितना ज्यादा अच्छा होता है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो एलिवल सॉइल तुम लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक, या फिर टेंथ में, तो ये बिल्कुल टेंथ में तो बहुत डिटेल में दे रखा है सब कुछ। ठीक है, तो हाँ एलिवल सॉइल है। अब देखो एक दो टर्म्स में तुम लोगों को बताऊंगा अभी। ठीक है, दो टर्म्स बताऊंगा तो ध्यान से सुनना अभी। अभी हम ये वाले टॉपिक से थोड़ा सा अलग हट के बात करें तो एक रिवरिन आइलैंड क्या चीज होती है। रिवरिन आइलैंड वो होता है जैसे कि देखो जो भी डिपोजिशनल वर्क में, अगर जैसे जैसे जो भी रिवर्स नॉर्दर्न नॉर्दर्न माउंटेन्स आ रहे हैं, दीज आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। डिपोजिशनल वर्क मतलब डिपॉजिट्स मेंटेन हो रहे हैं, डिपॉजिट्स बनते आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि धीरे 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 क्या हुआ कि जैसे जैसे पानी का बहाव, पानी ऐसे नीचे उतर रहा था, ऑब्वियसली भाई हिमालय टॉप पे, फिर वहां से पानी ऐसे ऐसे नीचे उतर रहा था, तो जैसे जैसे नीचे उतरा तो जो स्लोप है वो कम हो गया और यहां पर वेलोसिटी कम हो गई पानी की। अब वेलोसिटी कम हो गई तो क्या हुआ कि धीरे 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 वहां पर सेडिमेंट्स होकर रिवरिन आइलैंड्स बन गए। किस टाइप से, देखो ये जैसे ये आला है तो माजुली जो है इट इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। माजुली करके एक जगह है जो कि ब्रह्मपुत्र आइलैंड के, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर एक रिवरिन आइलैंड है। तो रिवरिन आइलैंड क्या हुआ, जैसे पानी धीरे धीरे बहता आ रहा है, अब जब पानी नीचे नीचे आ रहा था तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो गई तो सेडिमेंट जो है वो वहीं पर जमने लग गए, जम के एक तरीके से आइलैंड बन गया हमारे पास में। ठीक है, तो प्रॉपर वाली फील आती है वहां पे। ठीक है, तो अब देखो, हाँ अब दूसरा टर्म तो एक तो समझ में आ गया रिवरिन, दूसरा क्या है ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये क्या चीज है, देखो अगर कुछ मतलब जैसे अगर किसी नदी के अंदर और नदियां जुड़ रही हैं तो उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, और किसी नदी से किसी पोर्शन से किसी जगह से नदियां जो है वो डाइवर्स हो रही है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। देखो नाम में ही समझ में आ रहा है, ट्रिब्यूटरी मतलब ऐसे साथ में होना और डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना। तो जैसे अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो यहां पर ये बहुत सारी नदियां यहां पर अगर जुड़ रही है तो मैं क्या बोलूंगा इनको, ट्रिब्यूटरीज बोलूंगा। मतलब इस नदी की ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर इस नदी का नाम है ए तो ये जो बाकी बी सी डी ई हैं तो बी सी डी ई आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ए, है ना। और अगर ये जो बची हुई है F, G, H, I, है ना, और अगर ये A है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो F, G, H, I ये जो नदियां हैं these are distributaries of A, मतलब एक से ये बट के अलग अलग हो रही हैं और तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे, और ये जो जुड़ के एक बना रही हैं उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, और राइट, तो ये डिफरेंसेस हैं, ये तुम लोग रीड कर लो बहुत अच्छी तरीके से, सिंपल इसको रीड करना बहुत जरूरी है, याद भी है कहीं कर लो, पॉज करके बढ़िया काम हो जाएगा। और एक और टर्म जो है वो है दोआब। दोआब क्या होता है, दोआब हमको पता है भाई आब का मतलब होता है पानी, आब ए जमजम सुना होगा तुम लोगों ने। ठीक है, आब ए जमजम सुना होगा, पंजाब सुना होगा, तो आब मतलब क्या होता है पानी, और दोआब मतलब दो पानी, मतलब पानी होता है ना 2 लीटर पानी, दोआब का मतलब ये होता है कि द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो ये पानी के संग, ये देखो मैं भी कंफ्यूज हुआ था शुरू शुरू में जब मैंने पहली बार सुना था, तो मैं संगम की बात नहीं कर रहा हूं, दो नदियां जहां मिलती है उसको हम संगम बोलते हैं, पर दो रिवर्स के बीच में जो लैंड होता है उसको दो आप बोलते हैं। तो मैं पानी के मिलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो रिवर्स के बीच में जो लैंड है उसकी बात कर रहा हूं, उस लैंड को हम दो आप बोलते हैं। ठीक है, दो आप इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो आप, है ना, तो ये जो पोर्शन है इसको हम दो आप बोलेंगे। ठीक है, जो लैंड है दो नदियों के बीच में, जैसे पंजाब कैसे निकला आप तुम लोग बता सकते हो, पंजाब, ठीक है, पांच आब, ठीक है, ऐसे। तो देखो जैसे कि ये जितना भी एरिया, जैसे कि दो दो नदियों के बीच में जो जो भी एरिया फॉलो रहा है, जैसे ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो नहीं, ये वाला, तो ये सब क्या हो गए आब, ठीक है, सॉरी दो आब हो गए, मतलब जो दो नदियों के बीच में है। ठीक है, अब नदन प्लेन के पे वापस से आते हैं। ठीक है, अब हम वापस नदन प्लेन पे आते हैं, हमने कुछ कुछ टर्म्स देखे जो कि हमको आगे काम में आएंगे। तो नदन प्लेन के अंदर क्या क्या तीन डिविजन है, अभी देखो जैसे हमने ऑब्वियसली भाई हिमालय को डिवाइड किया तो नदन प्लेन को भी करेंगे, वरना नदन प्लेन बुरा मान जाएगा कि मुझे तो तुम डिवाइड ही नहीं करते हो, मेरे अंदर डिविजन नहीं निकालते हो, मेरे अंदर क्राइटेरिया नहीं निकालते, तो हम यहाँ पर भी निकालते हैं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो नदन प्लेन के क्या क्या क्राइटेरिया है, तीन, मतलब क्या क्या हमने किन किन रीजन को डिवाइड कर रखा है, एक है इंडस प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। अच्छा, अभी हमने ध्यान से देखा था कि भैया हमने जो तीनों की तीनों ये जो हमारा बना हुआ है नदन प्लेन, ये किसके किससे बना है,
दिस ड्यू टू द इंटरप्ले ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस। तो इनको हम उसी के हिसाब से हमने अलग अलग नाम दे दिया, इंडस प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं। देखो ये देखो, जैसे अभी हमने हिमालय में डिवीजन किया था नॉर्थ साउथ वाला, सॉरी ईस्ट वेस्ट वाला, कौन कौन सा अलग अलग नदियों के बेसिस पे, वैसे हमने यहाँ पर भी कर दिया। क्या किया इसको, फर्स्ट वाला है पंजाब प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स मतलब इंडस प्लेन, दूसरा वाला है गंगा प्लेन्स और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये इस टाइप से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पहली बात, अब हम आते हैं हर एक रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली जैसे हिमालय में समझ में आ रहे तुमको, मतलब हमने एक रीजन सेट किया, हमने क्या किया पहले तो इंडिया को कुछ मोटे मोटे तीन चार रीजन में डिवाइड किया। अब उस एक एक रीजन के अंदर हम अलग अलग पार्ट्स निकाल रहे हैं और उन अलग अलग पार्ट्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। तो इंडस प्लेन की सबसे पहले बात करते हैं। तो ये कैसे बना, ये बना किस किस के कारण बना, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो जो जो भी नदियां इंडस में बन रही थी, तो इट इज फाउंड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम पार्ट है पाकिस्तान में लाया कर रहा है, ठीक है। और दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स, मतलब यहां पर काफी सारे दोआब्स हैं। गंगा प्लेन्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली ये कहां बना है, तो ये घाघरा या घाघर, ये एक वर्ड है, घाघर या घाघरा जो भी इसको बोलते हैं अलग अलग कंसिडरिंग अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग लोकेलिटीज में। तो घाघर और तीस्ता रीजन के बीच में बना हुआ, मतलब कि ये देखो घाघर और तीस्ता रीजन के बीच में ये हमारे पास में है, ठीक है, एक्सटेंड बिटवीन इतना। और कहां कहां पे होता है ये लोकेशन याद रख लो, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल, नाम तुमको याद रखना है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र प्लेन ये कहां है, ईस्ट टू गंगा प्लेन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में पंजाब प्लेन्स है, फिर उसके ईस्ट में, यानी कि ईस्ट मतलब क्या, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है, हां, तो उसके ईस्ट में हमारे पास में दूसरा है गंगा प्लेन्स और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ईस्ट में सबसे ईस्ट में कौन से आ गए, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आ गए, ठीक है। इट इज ड्रेन्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर, मतलब यहां पे मेनली ब्रह्मपुत्र रिवर है जो मेनली फ्लो होता है, ठीक है। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें ऐसा लगता है या फिर ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड कि नदन प्लेन्स जो है टोटली प्लेन है, मतलब वहां पर कुछ वेरिएशन नहीं है। जैसे कि हिमालय में हमको पता है कि भाई हाइट में कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कहीं बड़ी है, कहीं लंबी है, कहीं छोटी है, ऐसी है, कहीं वैलीज बनी हुई है बीच बीच में, कहीं ऐसे मतलब बेसिकली वेरिएशन है। तो हमको क्या लगता है कि नदन प्लेन्स में कोई वेरिएशन होंगे नहीं, एक जैसा बिल्कुल सटीक है, तो ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। यहां पर भी काफी सारे डाइवर्स रिलीफ फीचर्स है, रिलीफ फीचर्स का मतलब यही हो गया कि कहीं पे ऊपर नीचे ज्यादा है, कहीं पे ठीक है, कहीं प्लेन लैंड है, कहीं पे थोड़ा सा नीचे, कहीं पे ऊपर है, तो ये सारी चीजें नदन प्लेन्स में भी हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं कि लैंड बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो वेरिएशन में क्या है कि नदन प्लेन्स को हमने इन वेरिएशन के हिसाब से चार रीजन में डिवाइड कर रखा है। तो अभी जो तीन डिवीजन हमने देखे नदन प्लेन्स के, वो किसके बेसिस पे थे, वो थे कि कौन कौन से रिवर्स के द्वारा फॉर्म हुए हैं, और ऐसे हमने अलग अलग तरीके से अब कर दिया, मतलब रीजन वाइज। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वेरिएशंस हैं उसके हिसाब से हमने कैसे डिवाइड कर रखा है। तो हमने इसके हिसाब से चार मेनली हमने उसमें डिवाइड कर रखा है, चार नामों में, जो कि भाबर, तेराई, भांगर और खादर। अब भांगर और खादर हम लोगों को पता होता है क्या है, भांगर और खादर आर द टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। खादर सॉइल, भांगर सॉइल हमने देखा था, है ना, ओल्ड एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल हमने पढ़ा है, ये हमने देखा या सुना है हमने ये बात पहले भी कभी जीवन में, अगर सुनी हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम देखते हैं वापस से अब हिमालय वाले फिगर पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया हो गया, इंडिया का नॉर्थ, और ये साउथ हो गया, ऐसे समझो कि हम नॉर्थ से साउथ में। तो अब देखो ध्यान से देखो, अब हिमालय है, अब हिमालय के नीचे, अब देखो ये समझ, अब समझ में आएगा तुमको कि क्या है। तो बेसिकली हिमालय के जब हम नीचे आते हैं, तो हमने शिवालिक वगैरह के जब नीचे आ गए, तो हम नदन प्लेन स्टार्ट हो गया। अब नदन प्लेन्स को हमने किन किन रीजन में डिवाइड किया था अभी, भाबर, तेराई, भांगर और खादर। तो भाबर जो है वो सबसे ऊपर तुम देख सकते हो, यहां पर तुमको मोटे मोटे रॉक्स देखने को मिलेंगे, तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं भाबर। फिर उसके थोड़ा सा जब नीचे आता, तो जो रॉक्स थे वो धीरे धीरे छोटे छोटे हो गए और छोटे हो गए, तो इस जो छोटे छोटे रॉक्स वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं तेराई। फिर उसके बाद में और अगर नीचे हो गए, तो देखोगे कि ऑलमोस्ट प्लेन हो चुका है, वहां पर हमको मिलता है भांगर, और उसके बाद में तुम देखोगे कि यहां पर हमारे पास में है खादर। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि माउंटेन्स से बहुत बड़े बड़े रॉक्स भी आए होंगे, तो वो जो रॉक्स हैं, तो वो जो रॉक्स बेसिकली यहां पर जो रह गए, तो वो भाबर हो गए। अब पानी तो बहता जा रहा है, पानी बहा 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 बहा, तो जो रॉक्स है, जब पानी नीचे बह रहा था, तो धीरे धीरे क्या हो कि उसने रॉक्स को थोड़ा थोड़ा तोड़ के छोटा करके नीचे और सेडिमेंट जमाने लग गया। तो जैसे जैसे भाबर से पानी नीचे आया, तो थोड़े थोड़े वहां से टूट टूट के तेराई वाले रीजन में आ गए, जहां पर रॉक्स की जो साइज है वो छोटी है। फिर वहां से और पानी बहता जा रहा था, तो जब पानी बहता जा रहा था, तब क्या हुआ कि और जो रॉक्स उनको और ज्यादा फाइन कर दिया और बिल्कुल पार्टिकल्स और उसके छोटे कर दिए, तो वो वाला हमारा रीजन भांगर हो गया। फिर वहां से पानी बह रहा था, बहता ही जा रहा था, जो भांगर वाले रीजन के अंदर जो थोड़े कंकर वगैरह थे, जो ऐसे कुछ जो सॉइल था जो कि थोड़ा मोटा था, उसको और फाइन कर दिया, और ज्यादा फाइन कर दिया, तो ये खादर रीजन हो गया। और इसलिए हम बोलते हैं खादर इज न्यू एलुवियल सॉइल। न्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे नया है, ठीक है। रॉक्स से पहले रॉक्स टूटे, फिर छोटे रॉक्स से और छोटे रॉक्स बने, फिर और छोटे बने, फिर धीरे धीरे करके सॉइल बना जो कि भांगर था, इसके अंदर कुछ 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 कंकर वगैरह थे, फिर उससे टूट टूट के और फाइन सॉइल बना, जिसको हम बोलते हैं खादर। तो खादर को न्यू एलुवियल सॉइल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज न्यू, है कि नहीं, चलो बहुत बढ़िया। और ज्यादा फर्टाइल भी है, क्योंकि ज्यादा फाइन पार्टिकल्स है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया। अब भाबर की कैटेगरी देखते हैं,
तो ये करीब करीब 8 से 16 किलोमीटर के आसपास का रीजन है, ये जो रीजन है ये वाला, दिस रीजन इज अप्रॉक्सिमेटली 8 to 16 किलोमीटर। तो बेसिकली अगर इसको देखें तो ये नॉर्थ से साउथ समझो तुम, क्योंकि नॉर्थ हमारा ऐसा है तो हिमालय यहाँ पे आ गए, फिर हिमालय हिमालय की पहाड़ी आ गई, फिर इसके बाद में ये रीजन भाबर का हो गया, फिर ये रीजन तेराई का हो गया, फिर ये रीजन भांगर का हो गया, और फिर रीजन खादर का हो गया, ऐसा समझ लो इसको, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। तो ये जो फिगर है ये नॉर्थ से साउथ इधर जा रहा है, तो इसको ऐसा करके समझना, ठीक है। तो 8 to 16 किलोमीटर विड्थ लाइन पैरेलल टू स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स, इट इज पैरेलल टू स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स, तो जैसे शिवालिक्स के स्लोप जो है इसके पैरेलल पैरेलल चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर पेबल्स है विच आर ब्रॉट डाउन बाय रिवर, सिंपल सी बात है, और स्ट्रीम्स डिसअपीयर इन भाबर बेल्ट। अच्छा एक चीज तुमको बता दूं, ये बहुत खूबसूरत सी चीज है, अगर तुमने सुना होगा कि सरस्वती एक गुप्त नदी है, ऐसा कुछ तुमने कभी सुना है, तो बेसिकली उसका मतलब क्या है कि जो भाबर है जहां पर रॉक्स है, तो बेसिकली क्या होता है, उन रॉक्स के कारण जो नदियां बह रही है, नदियां तो बह रही है पर उन रॉक्स के कारण नदियां छुप जाती है, दिखती ही नहीं है बहते हुए। जैसे अगर तुम ध्यान से देखो इस रीजन में, तो यहां पर तुमको पानी पानी दिख रहा है, है ना, पानी पानी दिख रहा है, पर ये रॉक्स दिख रहे हैं, तो यहां पर क्या लग रहा है कि भाई यहां पर तो कुछ है ही नहीं, खाली है, तो पानी सिर्फ यहां तक बह रहा है, नहीं, इन रॉक्स के बीच में से जब पानी बहता है तो वो गायब हो जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रीम्स डिसअपीयर, ऐसा लगता है कि गायब हो गई है इन भाबर बेल्ट। तो इस रीजन में ये जो रॉक वाला रीजन है, यहां पर जो नदियां हैं वो गायब से दिखने लगती है, ठीक है, गायब हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो रॉक्स के बीच में से निकल रहती है, भाई तुम देखो कितना खूबसूरत है, पर ऐसा नहीं कि नदियां बहना बंद हो गई, नहीं, वो बह रही है पर दिखती नहीं है रॉक्स के कारण। तो इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि ये हमारा नॉर्थ है, ये धीरे धीरे साउथ की तरफ आ रहा है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाला एरिया भाबर एरिया है और यहां से हमारे हिमालय से जो पानी है वो बह रहा है, तो यहां पर हमको ये सच्ची समझ में आ रही है, ठीक है। मैं नॉर्थ साउथ कहां पर कहां पर, उससे हमेशा देखो नॉर्थ की तरफ हिमालय आता है, साउथ की तरफ हमको पता है साउथ की तरफ हिमालय छोटे होते आ रहे हैं, तो मैं इसलिए नॉर्थ जहां जहां भी फिगर दिख रहा है ना वहां नॉर्थ साउथ करके बता रहा था कि तुम कंफ्यूज ना हो कभी। तो इस एरिया में इस जगह पर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नॉर्थ होगा और ये साउथ रीजन है हमारा, तो ऐसे ऐसे चलते चलते नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ साउथ मतलब ये नहीं कि नॉर्दर्न इंडिया और बिल्कुल सदर्न इंडिया, नहीं, नॉर्थ जैसे जैसे नीचे आता रहा उसको मैं साउथ 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 बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। तेराई की बात करते हैं, तो इसके साउथ में क्या होता है, तेराई के भी साउथ में क्या होता है कि जो रिवर्स है वो वापस से दिखने लग जाते हैं और वापस से रीमर्ज हो जाते हैं, और ये जो एरिया है बिल्कुल दलदली दलदली इलाका हो जाता है, मतलब बिल्कुल वेट स्वैम्पी मार्शी, मतलब यहां पर गीला गीला एरिया रहता है, वेट वेट एरिया रहता है और बहुत ज्यादा दलदली एरिया होता है तेराई वाला, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद में क्या होता है कि रिवर्स वापस से रीमर्ज कर जाते हैं, भाबर में दिखना बंद हुए थे और इसके बाद में जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे वापस रीमर्ज हो जाते हैं, और ये जो है यहाँ पर फॉरेस्टेशन बहुत है, थिकली फॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है। पर जब हमारा पार्टीशन हुआ था, ये पहले था, पर जब हमारा पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ कि काफी सारे लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, ठीक है, काफी सारे लोग जो पाकिस्तान से भी यहाँ पे आए थे, फिर कुछ लोग जो जैसे पार्टीशन में जो माइग्रेशन हुआ इंडिया से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से इंडिया में, उस टाइम पे जगह बनाने के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड को क्लियर कर दिया गया था। अब आते हैं भांगर के ऊपर, भांगर को क्या बोलते हैं, इट इज मेड ऑफ, इट इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवियम, तो इसलिए उसको बोलते हैं ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। ये कहां लाइक करता है, इट इज अबव फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स मतलब कि फ्लड प्लेन्स के ऊपर एक टेरेस लाइक, एक टेरेस लाइक फीचर बनाता है, मतलब कि भांगर वाला जो एरिया है इट इज सॉर्ट ऑफ अ टेरेस, है ना, थोड़ा सा ऊंचा एरिया है एज कंपेयर टू खादर वाला, ऑब्वियसली जैसे हम नीचे बहते हैं वैसे वैसे बात करें, तो खादर से थोड़ा सा ऊंचा एरिया भांगर वाला, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज भांगर, तो वही तो लिखा हुआ यहां पर भांगर, ठीक है। और इसके जो सॉइल है इसके अंदर है ना कुछ 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 नॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम कंकर बोलते हैं, जो कि थोड़े से ऐसे कंकर मतलब समझते हो ना, देखा होगा तुमने। अब आते हैं खादर की बात करते हैं, खादर आर द न्यूअर रंगर डिपॉजिट्स ऑफ ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर, ठीक है। और ये हर साल ऑलमोस्ट रिन्यू होते हैं, ठीक है, पानी के कारण जो सेडिमेंट्स बह रहे होते हैं, जो सॉइल बनता ज्यादा होता है, तो हर साल रिन्यू होते जाते हैं, तो इसके कारण इनकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर सकते हैं। देखो जो मैंने भांगर और खादर का बताया ना तुम लोगों को, तो ये जो एरिया है ये है भांगर और ये है खादर, तो तुम देख रहे हो थोड़ा सा टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इससे, थोड़ा सा ऊंचाई देखो यहां पर, जैसे देखो ये खादर सॉइल है और ये भांगर सॉइल है, तो ये क्या थोड़ा सा टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये फ्लड प्लेन्स है, फ्लड प्लेन मतलब कैसे समझोगे इस बात को कि अगर फ्लड आता है तो फ्लड में जो एरियाज निचले एरियाज हैं जिनकी जो नीचे 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 के एरियाज है वो ज्यादा फ्लडेड हो जाएंगे एज कंपेयर टू ऊपर ऊपर के एरियाज, तो ऐसे समझो फ्लड प्लेन्स। हमने क्यों बोला इसको कि भांगर जो है वो हमने क्या देखा था, भांगर सर नदन, ठीक है, इट लाइज अबव फ्लड प्लेन्स, तो अबव ये अबव कैसे हुआ क्योंकि मैं अगर इसको तो राइट से लेफ्ट बता रहा हूँ, बट हम कैसे देख रहे हैं सब चीज नॉर्थ से साउथ के हिसाब से देख रहे हैं ना, तो अगर ऑब्वियसली साउथ में खादर ऑयल है तो उसके ऊपर हुआ भांगर ऑयल अबव, है ना, नदन साइड में, ठीक है। तो ये फ्लड प्लेन्स हमने समझ लिया कि फ्लड प्लेन्स ही होता है, तो ये टेरेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। अब आते हैं पेनिनसुलर प्लेटू पे, तो हमने सबसे पहले देख लिया हिमालय वाला रीजन, उसके बाद हमने उसके नीचे वाला रीजन देख लिया जो कि था हमारे पास में नदन प्लेन्स, अब हम उसके और नीचे आ गए जो कि हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, तो मैक्सिमम काफी एरिया पेनिनसुलर प्लेटू में हमारा कवर होता है। तो पेनिनसुलर प्लेटू देख लेते, तो ये जो पूरा येलो येलो कलर का दिख रहा है दिस इज पेनिनसुलर प्लेटू, तो ये पूरा हिमालय हो गया, फिर इतना रीजन हमारा करीब करीब नदन प्लेन्स हो गया, फिर उसके बाद में जब जो बचा हुआ एरिया है वो क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेटू अब तुम ध्यान से देखो कि ये देखो बीच में एक डिवीजन दिख रहा है तुमको, तो ये जो है दिस इज नर्मदा, दिस इज नर्मदा, तो नर्मदा डिवाइड्स अगेन, तो अब हम इसमें भी डिवीजन देखेंगे, तो पेनिनसुलर प्लेटू में क्या क्या डिवीजन है, एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और एक है डेकन प्लेटू और एक है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। तुम बोलोगे भैया ये यहां से टूट के इधर कैसे चलेगा,
अभी तक तो हमने देखा था कि यहाँ पे ये, तो ये बिल्कुल ये एक, ये यहाँ कहाँ से दिखा रहे हो आप हमको? तो बेसिकली क्या है कि इसकी भी एक हिस्ट्री है कि ऐसा कैसे टूटा और टूट टूट के फिर इधर कैसे चलेगा, ठीक है? तो ये भी एक चीज है जो तुमको 11th की ज्योग्राफी मिलेगी, बट अभी के लिए हमको इतना समझना है कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो तीन रीजन में डिवाइड है। अच्छा, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इस चीज को हम पहले डिवाइड करते हैं, इस चीज का नाम हम देखते हैं कि इसको नाम तोड़ के देखते हैं। तो पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? वो रीजन जो कि तीन जगहों से पानी से घिरा हुआ है, तीन जगहों से, ठीक है? पेनिनसुलर मीन्स अ लैंड मास कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, ठीक है? जैसे दो आप देखा था, मतलब दो नदियों के बीच में, वैसे अगर तीन, अगर उसके आसपास तीनों जगह पे नदियां हैं, जैसे कि ये एक दो तीन, तीनों जगह पे हमारे नदियां नहीं, बेसिकली नदियां नहीं, वाटर की बात करें, नदियां नहीं, ऑब्वियसली ओशन है यहाँ पर, ये ओशन है, ये ओशन है, ठीक है? तो ये बे ऑफ बंगाल है। तो बेसिकली हम क्या बात करें यहाँ पर, इट इज कवर्ड फ्रॉम थ्री साइड्स, तो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर। और प्लेटू का मतलब क्या होता है? प्लेटू मतलब कि एक रीजन जो कि थोड़ा उठा हुआ या झुका हुआ हो सकता है, बट इट इज मोस्टली प्लेन। मतलब जैसे कि ये रीजन हो गया, तो ये देखो ये ऑब्वियसली यहां से उठा हुआ है, बट ये जो रीजन है ये बिल्कुल सटीक है, तो इस रीजन को बोलते हैं प्लेट्यू, ठीक है? इस रीजन को बोलते हैं प्लेट्यू, अभी और समझेंगे हम। तो बेसिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है तीन रीजन में डिवाइडेड है, सेंट्रल हाईलैंड जो कि नर्मदा के ऊपर है, फिर नर्मदा के नीचे वाला जो है उसको डेक्कन प्लेट्यू जो साउथ में, और जो एक अलग से पोर्शन है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है? प्लेट्यू मीन्स अ लेबल्ड लेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। देखो जैसे कि हालांकि ये, जैसे कि ये जो पूरा एरिया है ये क्या है? प्लेटू। अब हालांकि तो बहुत ही सटीक तरीके से ऐसा उठा हुआ है, ऐसा जनरली नहीं होता है, तो बस फोटो एग्जांपल बताने के लिए क्या हुआ है, बट ऐसा जनरली ऐसा बिल्कुल ग्रेजुअली रहता है इंक्रीज, और फिर ऐसा पूरा प्लेन हो जाता है, जैसे ये प्लेन दिख रहा है ना पूरा, तो इसको हम बोलेंगे प्लेटू, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं, तो पेनिनसुलर प्लेटू में बेसिकली हमारे पास में ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये रॉक का डिवीजन देख ले कि कौन कौन से टाइप के रॉक्स होते हैं, तो बहुत पुराने क्रिस्टलाइन और इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। अच्छा, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है काफी पुराना है, इवन जो अगर मैं डेक्कन, इस रीजन की बात करूं डेक्कन प्लेटू की, तो ये तुम बोल सकते हो कि हिमालय जितने पुराने उसके भी दादाजी है, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। इट वॉज फॉर्म्ड, ये कब हुआ था? इट वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। तो जब तुमको ये बात पता है ना कि भाई कॉन्टिनेंट्स पहले सात नहीं थे, पहले सिर्फ एक, पहले जो हमारे पास में कॉन्टिनेंट्स है वो हमारे पास में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, फिर वो टूट टूट के और बनते गए। तो जब दूसरा ही डिवीजन हुआ था कॉन्टिनेंट का, तो ये जो एरिया है ये तब से ही पार्ट है, तब से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो चलो इतनी हिस्ट्री में नहीं जाना हमको, ठीक है? और पेनिनसुलर प्लेटू इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल, ये ध्यान रखो, ब्लैक सॉइल मतलब कॉटन, ब्लैक सॉइल मतलब कॉटन, तो कॉटन उगाने के लिए ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंडमास, मतलब इस धरती के ऊपर इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास, मतलब हिमालय से भी पुराना रीजन है, ठीक है? चलो, अब पेनिनसुलर प्लेटू हमने देखा, वैसे तो तीन में है बट मेनली हमको इन दो की बात करनी है, क्योंकि वो तीसरा तो अलग ही है, डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की। सेंट्रल हाईलैंड्स मतलब जो नर्मदा के ऊपर वाला है, तो नॉर्थ ऑफ नर्मदा, ठीक है? मालवा प्लेटू का काफी एरिया इसके अंदर, मतलब जो मालवा रीजन है, मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, वो काफी हद तक इसमें कवर है, मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू। और इट इज कवर्ड बाय, अब देखो यहां पर अलग अलग हिल्स बता रखी है, तो हिल्स का भी नाम याद रखो, विंध्या एट नॉर्थ, सतपुरा एट साउथ एंड अरावली एट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? तो नॉर्थ में किसने कवर कर रखा है? विंध्या हिल्स ने, फिर सतपुरा एट साउथ, साउथ साइड में जो सेंट्रल हाईलैंड का साउथ है, मतलब नर्मदा के जो नॉर्थ में हल्का सा जो है, तो उसका जो साउथ वाला पोर्शन है वो क्या हुआ? सतपुरा से कवर्ड है। और फिर नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है वो है अरावली से, ठीक है? अब कौन कौन से रिवर्स फ्लो करते हैं? चंबल, सिंध, केन, ये यहां से फ्लो करते हैं। इंडिकेटिंग द स्लोप, इसका मतलब क्या हुआ? देखो एक चीज तुमको बताता हूं, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, कि अभी हमने देखा कि ये जो रीजन होता है ये प्लेन रीजन है ना। अब अगर प्लेन रीजन के ऊपर भी पानी बह रहा है, देखो जैसे कि बिल्कुल ये प्लेन है, जैसे मान लो मैं इसके ऊपर पानी ढोल देता हूं, तो पानी कहां बहेगा, है ना? बहाव किस साइड होगा पानी का, ये कैसे पता लगेगा? तो बहाव तो कहीं नहीं होगा, पर अगर मैं हल्का सा इसको ऐसे टिल्ट कर दो और मुझे दिख रहा है कि भाई बहाव ऐसा हो रहा है, पानी ऑब्वियसली इस साइड बहेगा, है ना? जिस साइड नीचे है, जिस साइड झुकाव है, उस साइड पानी बहेगा। तो जिस साइड पानी बह रहा है उस साइड मैं समझ सकता हूं कि भाई उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि जो मेरा जो पूरा का पूरा ये जो लैंड है ये किस साइड टिल्टेड है, है ना? जैसे मान लो इसको मैं बोल दूं ईस्ट और इसको बोल दूं वेस्ट, तो मुझे नहीं पता कि रिफ्लेक्शन मतलब मैं मिरर होने का तुमको कैसा दिख रहा होगा, बट फॉर नाउ लेट्स से कि दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, है ना? तो अगर इसमें पानी इस साइड फ्लो हो रहा है, मतलब मुझे दिख रहा है कि पानी का भाव इस साइड है, ईस्ट टू वेस्ट, तो मैं बात समझ सकता हूं कि भाई ईस्ट साइड जो वो ऊपर है और वेस्ट साइड नीचे है, झुकी हुई है। तो वैसे ही इंडिया जो है वो भी ईस्ट में नीचे झुका हुआ है हल्का सा और वेस्ट साइड में थोड़ा सा उठा हुआ है। तो इंडिया इज नॉट प्लेन, मतलब ऐसा नहीं है, इंडिया भी इज समवॉट लाइक दिस, ठीक है? तो हम सब टेढ़े हैं ऑलमोस्ट, अलग इतना पता नहीं चलता, बट बिल्कुल समझ में नहीं आता ऑब्वियसली इतना, बट हाँ इसका मतलब ये समझो। तो ये हमको कैसे पता चला कि भाई जब प्लेन रीजन पे, जब एक प्लेटू के ऊपर चंबल, सिंध और ये जो है केन, ये साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट फ्लो कर रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट फ्लो कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे होंगे? तो इससे हमको एक स्लोप का अंदाजा लगता है कि अच्छा ये तो स्लोप है, मतलब पूरा का पूरा जो रीजन है इंडिया का वो हल्का सा टिल्टेड है, ठीक है?
चलो तो बघेलखंड, अच्छा ये जो हाईलैंड है ये वाइडर कहाँ कहाँ पे है, वेस्ट में, और जैसे जैसे ईस्ट की तरफ आते हैं वैसे वैसे नैरो होते जाते हैं, ठीक है। तो जो वाइडर वाले जो हमारे पास में वेस्ट की साइड है उनको हम बोलते हैं बुंदेलखंड, और ईस्ट वाले को हम बोलते हैं बघेलखंड, ठीक है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर एक्सटेंशन। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब देखो ये विंध्यास, ये अरावली दिख रहा है, विंध्यास दिख रहा है, ये सतपुरा दिख रहा है, ये सब जो मैंने अभी नाम बताया वो सब दिख रहा है ना तुम लोगों को। तो ये हमारे पास में ये डेकन प्लेटू है, और ये जो है ये सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या क्या देखा यहाँ पर कि बुंदेलखंड बघेलखंड है ना, ठीक है, और ये छोटा नागपुर एरिया। तो छोटा नागपुर क्या कर रहा है, इसको ईस्टवर्ड एक्सटेंड कर रहा है। तो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो इस साइड जो एक्सटेंशन हो रहा है इसका, ये छोटा नागपुर एरिया की तरफ से हो रहा है, ठीक है। तो छोटा नागपुर नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेकन प्लेटू को देखते हैं। तो डेकन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमार्क, ऑब्वियसली दिख रहा है हमको, जो पूरा का पूरा ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगुलर लैंडमार्क है, ठीक है। इसमें इसकी जो नदन बॉर्डर है कौन से, सतपुरा की। जैसे जैसे विंध्यास जो है वो इसकी साउथ, मतलब ये सेंट्रल हाईलैंड की सदर्न बॉर्डर विंध्या है, तो डेकन प्लेटू की नदन बॉर्डर सतपुरा है, और यहां पर बीच में हमारे पास में कहीं पर नर्मदा फ्लो हो रही है, ठीक है। तो नर्मदा ने इसको डिवाइड कर रखा है। महादेव, कैमूर हिल्स, माइकल रेंज, ये ईस्टर्न बॉर्डर्स, तुमको नाम याद रखना है, ठीक है। ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो इस साइड, मतलब जो इस साइड की जो इतनी बॉर्डर्स हैं वो, ठीक है, और फिर वेस्ट साइड के बॉर्डर्स आएंगे। तो डेकन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स, मतलब वही अगेन इस साइड जो हाइट है वो ज्यादा की है, और धीरे 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 ऐसे ईस्ट में नीचे आता जा रहा है। बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं कि हम सब ऐसे गिरने लग जाए इस साइड, पर हाँ ये एक है फैक्ट जैसे अभी हमने देखा, ठीक है। An extension of this plateau is also visible in Meghalaya, Karbi Anglon plateau and Northern Kachar hills, या फिर कैशर हिल्स जो भी तुम बोलो, अलग अलग डिपेंडिंग, ठीक है। और ये तीन नाम दे रखे, तो नाम तुम लोगों को याद करना, तो ये तुमको रीड करने वाले साइड से वो तुमको रीड ही करनी है, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो हमने देखा द प्रोमिनेंट, ये देखो ये जो एक्सटेंशन है, ये जो एक्सटेंशन है इस प्लेटू का, अभी हमने देख लिया डेकन प्लेटू, अब हम एक्सटेंशन जो हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेटू उसका एक्सटेंशन हमने यहां पर भी देखा, ये जो छोटे से रीजन के पहले बात कर रहा था उसी की बात कर रहा हूं यहां पर। तो ये कहां कहां पे हो रहा है, मेघालय, कार्बी एंगलॉन प्लेटू और नॉर्दर्न कैचर हिल्स, तो ये इस एरिया में हो रहा है। और इस एक और चीज कि थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस, मतलब कि यहां पर कौन कौन से थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस है उनके भी नाम दे रखे हैं, ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया। चलो बहुत ही बढ़िया। अब ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, तो अब भी हम डेकन प्लेटू की बात कर रहे हैं, और डेकन प्लेटू के अंदर हम ईस्ट और वेस्ट के डिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ डेकन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। तो डेकन प्लेटू ये हमारा, इसके जो वेस्टर्न एज है उसको हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, जो ईस्टर्न एज है उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, तो ये चीज हमको समझ में आ गई, ओके। तो इसके कुछ डिफरेंसेस है, ये भी तुमको रीड करना है, ये तो तुमको याद करने वाले फैक्ट चीज हैं। अच्छा, डेकन ट्रैप क्या है, डेकन ट्रैप इज द पेनिनसुलर ब्लैक सॉइल एरिया। देखो, जो पेनिनसुलर प्लेटू में जितना भी ब्लैक सॉइल एरिया है उसको हम डेकन ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे बना, दिस इज फॉर्मड टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज। काफी समय से लावा जो है वो निकल रहा था, काफी समय से वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही थी, उसके कारण डेकन ट्रैप बना, और डेकन ट्रैप में हमारे पास मेनली ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है। और यहां पर जो रॉक्स है ये काफी समय से डिन्यूड होके टूट टूट के टूट टूट के ब्लैक सॉइल बन गए हैं, तो इसको हम एक्सटेंसिव लावा प्लेटू भी बोलते हैं। जो डेकन ट्रैप वाला एरिया है, डेकन ट्रैप वाला एरिया, मतलब डेकन ट्रैप एरिया कौन सा है, जो कि पेनिनसुलर प्लेटू में जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया है उसको हम डेकन ट्रैप भी बोलते हैं। और इस डेकन ट्रैप का एक और नाम है जो कि है एक्सटेंसिव लावा प्लेटू। क्यों? क्योंकि लावा के कारण बना है, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस के कारण बना है, ठीक है। और अरावली इज लाइंग ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। तो अभी हमने अरावली देख लिया था कहां कहां पे है, और दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड इज ब्रोकन हिल्स, इरोजन बहुत हुआ है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये डेकन ट्रैप वाला रीजन देख लो, है ना, डेकन ट्रैप वाला रीजन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं डेजर्ट्स के ऊपर। तो अभी तक हमने इतना रीजन देख लिया, हमने क्या क्या देख लिया, हमने इंडिया का ये पार्ट देख लिया, हिमालय वाला, फिर नदन प्लेन्स देख लिया, फिर हमने डेकन पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू देख लिया। अब हम इधर आते हैं डेजर्ट्स के ऊपर, है ना। अब डेजर्ट्स की बात करते हैं, तो डेजर्ट के अंदर मेनली हमको कहां कहां पे अगेन यही फिगर देखने को मिल रहा है। तो ये थार डेजर्ट, ये देखो अरावली हिल्स के इधर जो भी है वो डेजर्ट एरिया दिख रहा है तुमको, ये अरावली हिल्स है, और इसके इधर तो हमारे पास में कौन सा एरिया है, सेंट्रल हाईलैंड्स है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स के इस साइड जो है ये थार डेजर्ट के ऊपर, ये क्या है, ये क्या है हमारा थार डेजर्ट के आसपास ये जो एरिया है ये डेजर्ट एरियाज है, ठीक है। तो ये डेजर्ट कहां का है, इट टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। तो वेस्टर्न मार्जिन मतलब ये अरावली हिल्स का जो वेस्ट वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहां पे हमको डेजर्ट एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन, ये अगेन सैंड ड्यून्स से कवर्ड है, और इसकी जो रेनफॉल है बहुत कम होती है, मतलब 150 mm की रेनफॉल होती है। क्लाइमेट ढंग का, मतलब ऐसे कोई वेजिटेशन वगैरह नहीं हो पाती यहां पे, ठीक है, वेजिटेशन कुछ खास हो नहीं पाती, और पानी जो है वो अब दिखता है रेनी सीजन में, रेन बहुत कम होती है, बट क्या है कि जल्दी सूख भी आता है, क्योंकि पानी जो है वो इतना ज्यादा गिरता नहीं है कि बिल्कुल फ्लो के नदियों तक पहुंच पाए, तो पहले निकल जाता है पानी, ठीक है। सून द डिसअपीयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच टू द सी, तो सी की तरफ तक ही नहीं जा पाता है। और लूनी जो है, ये नाम याद रखो, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, इस रीजन में सिर्फ एक ही बड़ा रिवर है जो कि है लूनी, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा एक चीज और, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास में सैंड का, इसके अंदर एक चीज और है कि ये जो
ये जो तुम लोगों को दिख रहा है ना, ये इस टाइप का जो ये मून जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, डार्क डार्क पोर्शन है, इसको हम बर्चन्स भी बोलते हैं। बर्चन्स को क्या बोलते हैं, क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स। देखो क्रीसेंट शेप्ड दिख रहा है हमको, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं बर्चन्स, है ना। और ये जो एरियाज है लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल, ये देखो ना तुमको, ये दिख रहा है ये जो ऐसे सैंड जो है वो ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो रेंगते हुए कुछ चल रहा है। तो ये जो है, ये देखो ध्यान से, जो ऐसे हल्की हल्की सी ऐसे वो दिख रहा है ना, गलियां जैसी कुछ दिख रही है, तो हल्के हल्के सैंड के वो दिख रहा है हमको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स। और ये इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पर हमको ज्यादा देखने को मिलता है, इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री पर। और अगर हम जैसलमेर जाते हैं तो हमको बर्चन्स काफी देखने को मिलेंगे। बर्चन्स तो दो अलग अलग चीजें, बर्चन्स अलग चीज है और लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स अलग चीज है। तो बर्चन्स जो है उनको हम क्रीसेंट शेप ड्यून्स बोलते हैं। और वो क्या होता है, ये देखो इस टाइप से जो पोर्शन होता है जो पूरे सैंड के अंदर, पूरे के पूरे डेजर्ट के अंदर, उसको हम ये बोलते हैं बर्चन्स। और जो इस टाइप का एरिया होता है, जो जहां पर हमको ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी गलियां टाइप की देखने को मिलती है बिल्कुल सटीक, उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स बोलते हैं। कोस्टल प्लेन्स, ये क्या होता है, देखो ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स देखे। अब ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जो है वो हमारे डेक्कन प्लेटू बना रहे हैं, पर ईस्टर्न घाट्स के मतलब जिस साइड भी तुमको दिख रहा हो रिफ्लेक्शन में, पर ईस्टर्न घाट्स के इस साइड भी कुछ लैंड बचा हुआ है और वेस्टर्न घाट्स के इस साइड भी कुछ लैंड बचा हुआ है, ठीक है। देखो फिर से बताता हूं मैं, तो देखो ये हमारा डेक्कन प्लेटू हो गया, ये डेक्कन प्लेटू हो गया। पर अगर हम ध्यान से देखें तो ईस्टर्न घाट्स के इस साइड भी ये इतना इतना सा पोर्शन बचा हुआ है ना लैंड का, और वेस्टर्न घाट्स के इस साइड भी थोड़ा सा बिल्कुल पतला सा पोर्शन बचा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। और यहीं पर हमारे पास में मुंबई और गोवा भी आते हैं, ठीक है। चलो देखो देखते हैं, तो पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो, देखो ये जो एरिया है इसको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। अगेन वही चीज यहां पर बता रखी है। तो जो इस साइड जो है वेस्टर्न घाट्स वाली साइड, वो किस साइड बन रहा है हमारे पास में, अरेबियन सी। और इस साइड किधर बन रहा है, बे ऑफ बंगाल। तो ये जो पूरा एरिया है बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है, और ये वाला जो पूरा एरिया है किस साइड है, अरेबियन सी की तरफ है ना। इट इज रनिंग अलॉन्ग अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, है ना। अब जो वेस्टर्न कोस्ट है, अगेन इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अभी तक देखो हमने कितने कितने डिवीजन देखे हो, तुमको फिर से बताता हूं रिवाइज करके। सबसे पहले हिमालय, हिमालय के अंदर नॉर्थ से लेकर साउथ में, ठीक है, ये तीन डिवीजन। फिर हिमालय के अंदर ही ईस्ट से वेस्ट में इस टाइप के डिवीजन, ठीक है, ये हम समझ में आया। फिर हमने नदन प्लेन्स देखा, नदन प्लेन्स के अंदर हमने अगेन तीन डिवीजन कर दिया, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र वाले, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे ये इसके ऊपर पूरे प्लेटू के ऊपर, प्लेटू के ऊपर हमने तीन डिवीजन करें, एक तो ये जो अलग से छूट गया था कोने में वो, और एक नर्मदा से जो सेंट्रल हाईलैंड्स बने ऊपर की साइड और नीचे की साइड डेक्कन प्लेटू बना, वो इतना समझ में आया। अब डेक्कन प्लेटू के अंदर, अब देखो उसके बाद में हमने, अब उसके बाद हमने डेजर्ट्स देखे। डेजर्ट्स मेनली तीन डिवीजन हो गए इंडिया के। अब हम डेजर्ट्स कुछ कुछ और चीजें देख रहे, कुछ कुछ और फीचर्स देख रहे, तो तीन डिवीजन हमने मेनली देख लिए। अब अरावली के इस साइड जो जो भी है वो डेजर्ट में आ गया। और अब डेक्कन प्लेटू की अगर बात करो तो मतलब हमने पूरा इंडिया धीरे धीरे हम कवर कर रहे हैं, कोई भी पोर्शन छोड़ नहीं रहे, तो पूरा एरिया हमने धीरे धीरे कवर किया। अब अगर देखो तो ये एरिया रहेगा ना हल्का सा, इस एरिया की तो हमने चर्चा ही नहीं की, क्योंकि डेक्कन प्लेटू तो इस वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स से जो ये बन रहा है इसके बीच में आ रहा है, तो इसके बचे हुए जो साइड में पोर्शन है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो अब जो इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट्स वाले साइड और ईस्टर्न कोस्ट, इसको हम वेस्टर्न घाट्स वाले को वेस्टर्न कोस्ट बोलेंगे, ईस्टर्न घाट्स वाले को ईस्टर्न कोस्ट बोलेंगे। तो इस एरिया के भी हमने अलग अलग डिवीजन करे, क्या क्या डिवीजन करे, वेस्टर्न कोस्ट को हमने मेनली तीन उसमें डिवाइड कर रखा है, एक तो नॉर्थ नॉर्दर्न पार्ट है ना, इस वेस्टर्न कोस्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये वाला एरिया है, इसको हमने एक डिवीजन दे रखा है, जहां पर हमारे पास में मुंबई, इस एरिया को हम बोलते हैं कोंकण, और कोंकण में हमारे पास में मुंबई और गोवा आता है, ठीक है। फिर सेंट्रल, सेंट्रल को हम क्या बोलते हैं, कन्नड़, मतलब कि जैसे मुंबई गोवा के बाद में जो बीच का एरिया हो गया इसको हम बोलते हैं कन्नड़, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्नड़ प्लेन। और जो तीसरा है उसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, जो कि बिल्कुल नीचे नीचे साइड आ रहा है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब सेम ईस्ट साइड यानी कि बे ऑफ बंगाल साइड में हमने क्या क्या डिवीजन कर रखे हैं, इसमें हमने दो डिवीजन कर रखे हैं, एक नदन वाला जिसको हम बोलते हैं नदन सरकार, सरकार या वे सरकार जो भी तुम बोलना चाहो, और दूसरा जो है सदर्न पार्ट उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। जैसे कि ये देखो ये जो नदन एरिया है इसको हमने क्या बोल दिया, नदन सरकार, जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे डिवीजन करते हैं इंडिया का, तो इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, तुमको ऐसा लग रहा हो रहा है कितने सारे डिवीजन कैसे याद रखेंगे, कुछ भी नहीं, एक बार एनसीईआरटी रीड करोगे, एक बार स्लाइड्स रीड कर ले, मतलब तुम्हारा काम खत्म, सब समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी जीवन के अंदर। ओके, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स समझ में आएगा क्या है, ईस्टर्न घाट्स के जो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं, और वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो बचा हुआ प्लेन है उसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। लार्ज रिवर जो है वो कहां कहां फ्लो होते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे, कौन कौन से नाम याद रखो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ठीक है। दे हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है,
और लेक चिलिका इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो अभी हम ईस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज चिलिका लेक बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, ये ध्यान रखो, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। ये लेक है, ओशन नहीं है, बट स्टिल इट इज सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर मतलब समझ में आ रहा है ना, नाम से क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये उड़ीसा है और इसको हमने बहुत ज्यादा जूम कर दिया तो ये हमको कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब ये जो उड़ीसा का जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला बिल्कुल, मैं तुमको कैसे बताऊं, ये इसको हमने जूम करके देखा तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा लेक बन रहा है, इसको हम बोलते हैं चिलिका लेक, इसका नाम है लेक चिलिका, ठीक है। और ये कहां लाया कर रहा है, इट इज इन उड़ीसा, साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, ठीक है। चलो अब आइलैंड्स के ऊपर आते हैं। अभी हमने अब देखो, हमने इंडिया को ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया, पर इंडिया के जो इस मतलब ये जो बाउंड्री के बाहर कुछ कुछ जो एरिया, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरल। एक कोरल क्या चीज होती है वो बताता हूं। कोरल बेसिकली एक कोरल आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, शॉर्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जल्दी मर जाते हैं। तो दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जल्दी मर जाते हैं। अब क्या होता है, ये जब मर जाते हैं तो ये सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन जो रिमेन्स होते हैं वो कैल्शियम, मतलब ये दीज दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब क्या हुआ कि जो कोरल्स हैं, ये कॉलोनीज में रहता है, मतलब ऐसे बहुत, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है तुम, सफेद सफेद एरिया दिख रहा है, तो यहां पर सब कोरल्स हैं। अब क्या होगा कि ये जब धीरे धीरे वहीं पर रहते हैं तो क्या होता है कि ये जम जाते हैं, मतलब वहीं पे एज सेडिमेंट्स वहां पर रह जाते हैं, और यही सेडिमेंट्स धीरे 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 कर करके आइलैंड बना लेते हैं, मतलब प्रॉपर एक लैंड वाला एरिया बना लेते हैं। तो कितनी खूबसूरत बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स, ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कोरल आइलैंड, दीज आर कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, तो बिल्कुल छोटे छोटे कोरल आइलैंड से ये कंपोज है, मतलब बना है पूरा लक्षद्वीप आइलैंड, छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बना हुआ है। ये कहां है, क्लोज टू मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट अभी हमने देखी थी, मालाबार कोस्ट ये जो एरिया है ना, ठीक है, ओके 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 ओके। और क्या है, इनको पहले लैक्रिडिव मिनिकॉय और फिर अमिंदवी बोलते थे बिफोर 1973 में रीनेम कर दिया, अंग्रेजों ने रखा होगा नाम। और ये इसका जो एरिया बहुत छोटा था, 32 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इट इज इन कवरत्ती, इसका जो हेडक्वार्टर है, इट इज इन कवरत्ती एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, मतलब जहां से ये ऑपरेट होते हैं पूरे के पूरे। अब अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं, तो अंडमान एंड निकोबार बड़े आइलैंड्स हैं और लक्षद्वीप तो छोटा है कंपेयर टू है। तो ये कहां पे, इट इज इलोंगेटेड इन बे ऑफ बंगाल, ऑब्वियसली इस साइड है, ईस्टर्न साइड है, ठीक है। और इसको हम और दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि अंडमान निकोबार क्या बोलते हैं। तो अंडमान जो एरिया है वो नॉर्थ का एरिया है और निकोबार साउथ का। तो याद कैसे करोगे, पहले हम नॉर्थ साउथ बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, नॉर्थ साउथ है ना, पहले नॉर्थ बोलते फिर साउथ बोलते हैं। तो पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मतलब अंडमान जो है वो नॉर्थ वाले हैं और निकोबार जो है वो साउथ साइड वाला है पोर्शन, ठीक है। और ये जो है, अच्छा ऐसा भी माना जाता है कि दीज आर इलोंगेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि हिमालय और अंडमान निकोबार के बीच में बड़े बड़े पहाड़ थे, ठीक है, जो कि सबमरीन, जो कि डूब गए पानी के अंदर, और अंडमान निकोबार वहीं रह गया। तो इसलिए मैं से बोलते दीज आर, इट इज बिलीव्ड कि ये पोर्शन उसी का है, मतलब जो सबमरीन माउंटेन जो कि डूब चुके पानी के अंदर, ये उसी का एक पोर्शन है जो बच गया वहां पर, जो रह गया, ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड, ठीक है, इट इज बिलीव्ड, ठीक है। फिर यहां पर फ्लोरा फौना की बहुत वो है, ठीक है, अच्छी है, और ये इक्वेटर के आसपास लाए करते हैं, तो जब टेम्परेचर है वो इक्वेटर के हिसाब से रहता है जनरली, ठीक है। तो इंडिया का जो, अब देखो कुछ 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 फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो बता दो तुमको। इंडिया ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो इंडिया का जो सिर्फ अभी तक का जो अभी तो सिर्फ एक एक्टिव वॉल्केनो है वो हम लोगों को कहाँ मिलता है, अंडमान निकोबार के यहाँ पर मिलता है, ठीक है। फिर अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्या है, कुल मिला के ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंडिया के अंदर हर तरीके के वो हैं, ठीक है, कहीं पे माउंटेन्स भी हैं, कहीं पे आइलैंड्स भी हैं, कहीं पे डेजर्ट भी हैं, कहीं पे ठंड गर्मी, ये सारी चीज़ें। तो उसके कारण नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे इंडिया के पास में अलग अलग टाइप के, ठीक है, मतलब जो चीज़ें पहाड़ी पे मिलते हैं वो भी हमारे इंडिया के पास में, जो चीज़ें प्लेन लैंड्स में मिलते हैं वो भी हमारे इंडिया के पास में, ठीक है, जो चीज़ें बिल्कुल एलुवियल सॉइल में मिलती है, बिल्कुल अच्छे सॉइल में मिलती है, वो भी इंडिया के पास, मतलब इंडिया के पास में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो नदर्न प्लेन्स आर ग्रीनरीज, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में जो नदर्न प्लेन्स के अंदर ग्रीनरी बहुत है, ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, ठीक है, सिविलाइजेशन यहाँ पर हुआ था सबसे पहले, धीरे धीरे मतलब सिविलाइजेशन का स्कोप यहाँ से मिला था हमको, ठीक है। फिर प्लेटू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, तो अभी हम अलग अलग रीजन के एडवांटेजेस देख रहे हैं, ठीक है। तो कोस्टल रीजन और आइलैंड में क्या है कि फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज हो सकती है ना, जो कोस्टल रीजन है अभी हमने देखा मालाबार कोस्ट वगैरह सब, ठीक है। तो कुल मिला के डाइवर्स फीचर्स ऑफ लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है। तो विद दिस
वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. एक घंटे के अंदर हमने इसको ऑलमोस्ट समअप कर दिया. होप यू गाइस एंजॉयड इट. मेक श्योर अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दो. एक घंटे के अंदर हमने बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और इस चैप्टर को रीड कर लेना एनसीईआरटी के साथ में. फिलहाल के लिए बस इतना ही. मेक श्योर तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ में ताकि थोड़ा और प्यार बढ़ता रहे. 50,000 सब्सक्राइबर्स हमको बहुत जल्दी हिट करना. और साथ में अगर तुम लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है padhle.inko और मुझे भी तो जल्दी से कर लो. 4,000 फॉलोअर्स का टारगेट है हमारा, ठीक है, मेरे प्रोफाइल के ऊपर और padhle.inko की प्रोफाइल पे 12,000 फॉलोअर्स का टारगेट है. धीरे धीरे हम टारगेट कंप्लीट करते हैं. साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर तुमको कोई भी नोटिफिकेशन देखना हो तो. तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. इसके बाद डेफिनेटली एनसीईआरटी रीड कर लेना, काफी अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा जो जो भी हमने डिवीजन देखा और बीच बीच में समराइज भी करते गया हूं और एक एक चीज रिपीट भी की है ताकि तुम्हारे दिमाग में घुसते जाए. तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम.